कोरोना काल में जहां कई व्यापार धराशाही हो गए, वहीं साइकिल बाजार के लिए वरदान बन गया है। कोरोना काल में बम्पर मांग से दुकानदार भी हैरान हो गए और कोरोना के चलते जो मायूसी थी उनकी मायूसी खुशी में बदल गई। साइकिल बाजार में पहले की तरह ही बम्पर मांग बढ़ने लगी है। हैरान की बात तो ये कि दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में जहां सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ नजर आती थी, वहां भी साइकिल की मांग में इजाफा हुआ है। कोविड महामारी से जहां पूरा देश इस वक्त परेशान है, वहीं जो साइकिल मार्केट है उस साइकिल मार्केट को कोविड की वजह से उतना खासा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना की वजह से जहां लोग घरों में बंद थे उसकी वजह से साइकिल व्यापार में जो है इजाफा देखने को मिला है। अगर हम झंडेवालन मार्केट की बात करें जो कि दिल्ली की सबसे पुरानी साइकिल की मार्केट है, वहाँ की जो जनरल सेक्रेटरी है उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के व्यापार में जो है काफी बढ़ोतरी हुई है। उसका मुख्य कारण है कि लोगों ने लॉकडाउन के वक्त में जो है जो साइकिल का इस्तेमाल था वो ज्यादा किया ताकि वो फिट रहें। वहीं अनलॉक के बाद जो है स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि जो मेट्रो है उसके चलने की वजह से जो लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चांदनी चौक की साइकिल मार्केट में। यहाँ भी जो दुकानदार है उनका कहना है कि साइकिल की डिमांड तो है लेकिन कहीं ना कहीं सप्लाई पूरी करने में हम असक्षम है, जिसकी मुख्य वजह है कि जहाँ से साइकिल लुधियाना से जहाँ से आती है और जो अन्य जगहों से आती है वहाँ पर इसकी शॉर्टेज है, जिसके कारण यहाँ के जो व्यापारी हैं साइकिल मार्केट वो इस पूरी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कभी कभार जो है इनके पास साइकिल नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों को देने के लिए कुछ नहीं होता है। दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक में भी साइकिलों की बिक्री में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। यहाँ भी साइकिल के व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बात ठीक है सर, नॉर्मल जैसे चलता है वैसे ही। इजाफा हुआ है लॉकडाउन या कोविड की वजह से? था जब तक जिम बंद थे, अब जिम जब से खुले तब से नॉर्मल है। डिमांड और सप्लाई का कुछ इजाफा क्या आप लोगों का डिमांड जो है बढ़ोतरी? नॉर्मल ही जब तक जिम बंद थे थोड़ा बहुत डिमांड थी, अब से जब खुले हैं तब से सेल्स कोई नॉर्मल नहीं है। अब सप्लाई आपके पास है प्रॉपर साइकिल? देखिए स्थिति अजीब रही, हम लोग जब शुरू था लॉकडाउन खुला था तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा व्यापार कैसे चलेगा और डर लग रहा था, मगर व्यापार खुलने के बाद हमारे पास दो किस्म का व्यापार है। मैं उसके लिए आपको पहले नेचर बता दूं व्यापार की, इस पर्टिकुलर मार्केट की बात करें या हमारे बात करें व्यापार की, वो तो है एक तो है रिटेल का व्यापार और दूसरा है होलसेल का व्यापार जिसमें हम पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं। तो जो रिटेल व्यापार है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कम लगा और होलसेल व्यापार में तेजी दिखी ज़्यादा। तो उसका रीज़न हमने यही असेसमेंट लगाया कि शायद मुख्य बाजारों में कोरोना की वजह से कस्टमर शायद निकल के आना नहीं चाहता, उस वजह से हो सकता है फुटफॉल यहाँ पे ज़्यादा ना हो। दूसरा यहाँ पे एक लोकल फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि चांदनी चौक का निर्माण कार्य चल रहा था, रास्ते बंद थे, तो उस वजह से एक लोकल और स्थानीय फैक्टर भी हो सकता है कि हमारी मार्केट में रिटेल का फुटफॉल कम था। बहरहाल कोरोना काल में पहले लॉकडाउन फिर अब अनलॉक की शुरुआत हो गई है, तब भी कई कारोबारियों के कारोबार में मंदी छाई रही, लेकिन अब त्योहारी सीजन कारोबारियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। चांदनी चौक से मोहम्मद शोएब, INS TV।